इसका टाइम बढ़ा सकती है, अगर आप लोगों को इश्यू हो रहा है तो हम इसका टाइम बढ़ा देते हैं, हम लोग 1 घंटे पे ले जाते हैं इसे। राइट सर, हाँ इस तरह मसला नहीं है, टाइम तो अभी मेरे पास राइटिंग पैड है, हम फिर आप कहेंगे जब कहेंगे, और नेक्स्ट मंथ बल्कि ये दिसंबर के बाद तो मैं क्लास को और डबल कर लूंगा, दिसंबर के बाद तो ठीक है। राइट राइट इंशाल्लाह सर, तो राइट सर, जहाँ भी आपको, हाँ जहाँ भी इशू हो रहा है ना मुझसे आप डिस्कस कर देख रहे, जो भी इशू आ रहा है। हमजा भाई आपने क्वेश्चन देखा था ये रिवोल्यूशन मॉडल वाला? सर वो अभी लॉग इन करने गया, मतलब वो अंदर चला गया। अच्छा चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। अच्छा कल हम लोग भाई क्वेश्चन कर रहे आपने, थे जी सर। सॉरी सर, वो ये जी अभी जी आपने जो क्वेश्चन खोला हुआ था उसके अंदर आपने ये रिवॉल्यूशन सरप्लस लिखा होता ना, RS, जी ये वाला WDV, तो नेटबुक वैल्यू है ना सर, जी सर, रिटर्न ऑन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा कल हमारे पास ये सवाल था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक एसेट है उसकी यूजफुल सॉरी लाइफ कितनी। जी, इसमें ना दो मेथड से ना रिवैल्यूएशन वाला, एक ये होता था कि हम लोग मतलब अभी वो वाला आपने मेथड शुरू करा दिया, वो जो हम लोग उसमें रिटेन अर्निंग में जो डालते थे उसके डालने का भी तरीका होता था ना सर, जी दो सर, तरीके से सारा कल कल सारा तरीका बता दिया है मैंने डिटेल करा दिया। से ठीक है, तसल्ली से। आपको मैं रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा। ठीक थैंक यू सर। है जी, सर दोनों खुलती नहीं है तरीके। वैसे। रिकॉर्डिंग नहीं खुलती, नो सर, कल भी मैंने सुननी थी और खुली नहीं। मैं यूट्यूब पे लिंक डाल देता हूँ ना, मैं आप लोग लिंक आपको नहीं मिलते, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ना हाँ तो उसके ऊपर आ रहे होते हैं, जब भी मैं मुझे याद करा दिया करो बस तो मैं डाल दिया करूँगा। अच्छा जी, कल हम ये ओके सर। सवाल कर सर रहे थे, और मीटिंग का पासवर्ड क्या है? मीटिंग पासवर्ड है सेटिंग्स। किसको भेजना है, हमजा को? नो सर, मैंने टैब में लॉग इन करना है, मोबाइल की मैंने चार्जिंग ग्रुप खत्म में है भेज तो आज। दिया, ग्रुप में भेज सर दिया। राइट सर, दिस नॉट हियर। अच्छा जी, हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक एसेट है जिसको हमने 1 जनवरी 2010 पे लिया है, राइट, यानी 2010 पे लिया है, 200 मिलियन का, और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। तो सबसे पहले हमने एंट्री डाली थी कि जब इसको खरीदेंगे तो क्या एंट्री डालेंगे, ऐसे डेबिट करेंगे और बैंक या कैश या पेबल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 31 दिसंबर तक आते हैं, पूरा साल हमने एसेट रखा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज की डेप्रिसिएशन डेबिट, रिकमेंडेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, गॉट इट। फिर हमने क्या किया, हमने क्योंकि इसको बुक वैल्यू पर लाना था ना, इस पे बुक वैल्यू पे, तो हमने कम्युनिटी डेप्रिसिएशन डेबिट कर दी, एसेट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ताकि ये एसेट अपनी किसके ऊपर आ जाए, बुक वैल्यू के ऊपर आ जाए, राइट, समझ आ गया आपको। उसके राइट बाद सर। क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एसेट को ना हमने रीवैल्यू किया, रीवैल्यू किया तो हमें पता चला कि इसकी आज फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 280 मिलियन, ठीक है। हमारे पास बुक्स में कितना आ रहा था, 180 मिलियन का, तो हमने इसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेके जाने के लिए 100 मिलियन का गेन आ गया, तो हमने उठा के एंट्री कर दी, एसेट को डेबिट कर दिया, और ओसीआई को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि ओसीआई से फॉरेन एंट्री की तरह मूव कर जाती है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, ठीक है जी। फिर हमने ये एंट्री कर दी, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या हो रहा होता है, सब्सटेंस ये हो रहा होता है, ये ओसीआई क्रेडिट हो रहा है ना, और ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। तो लोग इसको एंट्री को कैसे करते हैं, लोग इस एंट्री को ऐसे ही करते हैं, एसेट को डेबिट कर देते हैं और डायरेक्ट किसको क्रेडिट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो ये पासवर्ड को। चेंज कर दें, क्या कर दूं जी, बताएं, पासवर्ड ही नहीं लग रहा सर, ये बड़ा मुश्किल सा है। ये है ना आप इसको पासवर्ड, चेंज कैसे चेंज होता है, सर, उसमें ऑप्शन तो आ रही होती है पासवर्ड की चेंज करने की, ये तो लग ही नहीं रहा, वो सारे अल्फाबेट्स ऊपर नीचे करके डालें।
कैपिटलाइज करके, लेकिन किधर से कर लिया। हमजा भी गायब हो गया है मीटिंग। सर प्रोफाइल में जाएं सर, आई थिंक सो शायद इसके अंदर प्रो के अंदर आते होंगे, कस्टम पासवर्ड का ऑप्शन। जूम ऐप में देखें। सर लास्ट में एक्सेसिबिलिटी पे जाएं। नहीं सर यहाँ मिल जाता मेरे को, ये प्रो में होते होंगे ऑप्शन। यहाँ जो जब ये मैंने स्टार्ट की थी ना, तो शायद वहाँ ऑप्शन आता होगा इस जगह पे। ये यहाँ पे ये एडिट का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। पे सही हाँ लेकिन वो यहाँ से बोल सकते हैं हम मीटिंग के अंदर बैठे हैं। है, ठीक है सर। अच्छा जी, फाइल में हो, चलो सॉरी सर। नहीं नहीं वो हाँ वहां से ही होना है, लेकिन वो भी क्या मीटिंग के अंदर आना, इसलिए वो हो रहा है। ये किसने ज्वाइन किया, हमजा ने ज्वाइन कर लिए, तो ये मैंने ज्वाइन किया। ओ जबरदस्त, शुक्र। चल पड़े। यस सर, पता नहीं क्या पासवर्ड डाला था, मुझे याद नहीं। अच्छा चलो यार चल। अच्छा हमने इसको फेयर वैल्यू पर लेकर गए तो अच्छा, लॉग इन सबस्टांस में क्या एंट्री आपको अक्सर जगह पे नजर आएगी, आपको ये एंट्री नजर आएगी जैसे डेबिट और रिडेम्पशन सब कुछ करेंट। ये मैंने आपको बता दी इसके अंदर क्या ड्रॉबैक है, आपने इसको उसके से क्या करवाना होता है, राउट करवाना होता है। अच्छा उसके बाद आपने पूरा साल ये रखी, 31 दिसंबर पर आपने दोबारा इस पर क्या चार्ज की, डिप्रिसिएशन चार्ज की। जब आप दोबारा डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो ये एंट्री डालोगे, डिप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट, राइट। इस तरह भी समझ आ गया आपको कि कैसे किए ये। यस यस डिप्रिसिएशन इज बेसिकली चार्ज ऑन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो उसकी रिमेनिंग यूजफुल राइट लाइफ थी ना, उसके ऊपर हमने इसको चार्ज किया है, जो हमारे पास पिछले 9 साल राइट बच रहे थे। फिर हमारे पास राइट दोबारा, हाँ फिर दोबारा WDV पे जाने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को इसको इसको डेबिट कर दिया और एसेट को क्या कर दिया, ताकि हम दोबारा किस पे पहुंच जाए, WDV के ऊपर पहुंच जाए, राइट। फिर हमने उसको मार्केट में टेस्ट किया तो दोबारा से उसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी आ रही थी, 170, और हमारे पास WDV कितनी आ रही थी, 249। तो दोनों का हमने डिफरेंस दिया तो हमें पता चला कि ये तो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, यानी हमने रिवैल्यू किया तो बेसिकली जो हमारी फेयर वैल्यू उससे भी नीचे कम, जो हमारी WDV उससे भी नीचे कम मोड बन रही है। अब इसके अंदर ना स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है आपको यहाँ पे दो बातें, कहता है कि पहले आपने चेक करना है कि क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है पहले ये चेक करना होता है। अगर तो पड़ा हुआ है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर कोई बैलेंस, तो पहले उस बैलेंस को रिवर्स करो, यानी पूरी रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दो और एसेट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना। लॉजिकली भी आप देखो इसको, लॉजिकली समझे, एक एसेट है उसकी उसकी जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू, वो जो उसकी फेयर वैल्यू है, सॉरी जो उसकी फेयर वैल्यू है वो क्या है, बुक वैल्यू से भी क्या है, कम है, राइट। क्या आपको अपने अकाउंट्स के अंदर इसका रिवॉल्यूशन सरप्लस शो करवाना चाहिए, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, बताएं जी। मैं समझ आ रहे हैं सर है वैसे तो मेरा ख्याल। नहीं, एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू है 100 रुपये और फेयर वैल्यू 50 रुपये, 50 रुपये, तो क्या आपको अपने अकाउंट्स के अंदर शो करवाना चाहिए कि ये इसका ये रिवैल्यूएशन पे इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है हमारे पास, और लॉस सारा उठा के P&L को चार्ज कर देना चाहिए। सर इसका जो मुझे याद आ रहा ना, रूल इस तरह से था, लॉस जो है ना
वो सारा हम उसको चार्ज कर देंगे, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो हम लोग जो है ना सारा नहीं करेंगे, बल्कि उसका शायद 10% वो कुछ तरीका था कि नहीं, वो अलग मैं सिर्फ। देखिए वो उसको ट्रीटमेंट को छोड़े, मैं आपसे लॉजिक पूछ रहा हूँ, लॉजिकली क्या करना चाहिए? क्या लॉजिकली हमें अपने अकाउंट्स के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस शो करवाना चाहिए और लॉस प्रॉफिट जो या है वो लॉस? सरप्लस? सरप्लस सरप्लस मींस गेन, वो तो गेन सर, और वो तो लॉस सारा किसको चार्ज कर दो, P&L को। ये ट्रीटमेंट ठीक है या पहले इसको रिवर्स करो और फिर जो बचे उसको लॉस को चार्ज करो, बताएं जी क्या होना चाहिए? रिवर्स सर आई थिंक रिवर्स करके करते फिर जो बचे उसको शो ना, करना लेकिन चाहिए। लॉजिक भी एक चीज ऐसे ही बने, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, राइट? मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, पर 600 बंदा जो है वो मेरा गिरबान पकड़ने के लिए खड़े हुए, लोगों के पैसे देने हैं, मुझे लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, और घर पे लोग बार मुझे कत्ल करने के लिए फिर, और घर में मैंने सोना रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है, डॉलर्स रखे हुए, ज्वेलरी रखी हुई है, ये कैश रखा हुआ है, तो क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है? या ये ट्रीटमेंट ठीक है पहले मैं ये जितने लोगों का मैंने पैसा देना है वो पहले अपने इस माल से वापस करूं उन्हें, और फिर जितने बचे हैं उनके साथ बाकी हिसाब किताब करूं? तो सेम ये लॉजिक यहाँ पे कि आपका एसेट बार क्या खा गया, मार खा गया, उसको लॉस आ गया, और आप अपने अकाउंट्स में शो करा रहे हो कि इसके ऊपर क्या चार्ज हुआ हुआ, रिवेल्यूशन सरप्लस चार्ज हुआ, तो ये ट्रू एंड फेयर क्यों नहीं है? नॉट अ ट्रू एंड फेयर, बेसिकली यू हैव टू रिवर्स दैट अमाउंट एंड यू हैव टू शो दैट कि हमने जो ये पास्ट में ये जो हमने रिवेल्यू किया था ना, ये वाला जो हमने रिवेल्यू किया था, ये हमसे क्या हुई थी? ये हमसे गलती हुई थी। क्या हुई थी? गलती। दैट्स अ बेसिकली दैट वाज एन एस्टिमेट विच वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम, ये हमसे गलती से हुआ था, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एसेट पिछले साल 1 लाख रुपए का रहा 10,000 रुपए के, इसका मतलब है कि पीछे आपसे क्या हुई थी, ये एक गलती हुई थी, सो यू हैव टू रिवर्स दैट अमाउंट हेयर, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवर्स ऑल ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट अप टू दैट लॉस अमाउंट, राइट? गॉट इट? की सारी कहानी समझ आई आपको? यस सर, अच्छा, एक तो ये सारी कहानी हो गई ना, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? अच्छा ये अब आपको समझ में, अच्छा दूसरा स्टैंडर्ड क्या कहता है? पहला तरीका ये कि रिवॉल्यूशन का सरप्लस क्या कर दो, रिवर्स कर दो, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसके अंदर आपने सारा, बेशक हो सकता है दो केसेस है, या तो पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ तो सारा किसको चार्ज कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी रिवॉल्यूशन लॉस बुक कर लो, और अगर पड़ा हुआ है तो पहले इसको सारा रिवर्स करो, जो एक्सेस बच गया वो किसको चार्ज कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरी लॉजिक समझ आ गई आपको? मिस्टर भी समझ आया आपको? यस यस सर। अच्छा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर, सारा नहीं प्रॉफिट सर, हम उठा नहीं के डाल करना। देंगे। नहीं सर, सारा नहीं डालेंगे, अप टू दैट अमाउंट, अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस। हमारे पास यहाँ रिवेल्यूशन सरप्लस के अंदर कितना बैलेंस आ रहा है? रिवेल्यूशन सरप्लस स्टार्ट पे कितना था? 100 रुपए का, यस सर। राइट? इस एंट्री के बाद ही जो एंट्री की हमने डाली थी। फिर मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, याद है क्या होती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन? विच इज एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की वजह से जो आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन देनी पड़ती है ना, वो क्या होती है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इस पे मैंने आपको कल डिटेल से बताया था कि जी ये हम ये एंट्री क्यों पास करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। आपको मैंने बताया था ना कि हमारे पास पीएनएल के अंदर ज्यादा आ गई होता है लॉ, डिप्रेशन ज्यादा आ रही होती है, उसको हम नेट ऑफ करने के लिए ना यहाँ से ये एंट्री पास कर देते हैं, तो वो पीएनएल के अंदर क्या होता है इम्पैक्ट, उसका रिटेड अर्निंग के अंदर क्या चला जाता है? जीरो, राइट? सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा। सर आप कल वाला लेक्चर सुनिएगा, वो मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल ड्रॉ की थी उसके बाद किया था, मैं अपलोड कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है मैं इंक्लूड करने, ओके सर, ठीक थैंक्स। है? ये समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा
ये हमने एंट्री पास की तो हमारे पास रिटेन इसमें से अमाउंट माइनस होगी। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे 89, राइट 89 का बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा और लॉस हमें कितने का आ गया 79 का, तो उसका मतलब है सबसे पहले तो हमने इस बैलेंस को रिवर्स करना है ना, तो ये हमने सारा का सारा किसको चार्ज कर दिया सरप्लस को, राइट ये एंट्री ये डली वैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ है और एसेट क्या हो गए क्रेडिट। अगर सपोज करो यहाँ पे ये बैलेंस ना आ रहा था, जीरो आ रहा होता, ठीक है, तो फिर हम इस केस में क्या एंट्री डालते, फिर ये एंट्री ना डलती, फिर डलती सारा का सारा पी एंड एल में, पीएलएम में। वैल्यूएशन लॉस डेबिट हो जाता सारा का सारा और क्या हो जाता जी आपका एसेट क्रेडिट हो जाता। एक तो ये केस है, केस वन, केस टू, केस थ्री है कि वैल्यूएशन सरप्लस में थोड़ा सा बैलेंस पड़ता था। सपोज करो रिवैल्यूएशन सरप्लस में उस दिन 49 का बैलेंस पड़ा हुआ था और लॉस कितने का हो गया 79 का, अब क्या एंट्री डलेगी इस केस में, ये एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले डेबिट हो रहा था 49 से, एसेट क्रेडिट हो रहा जी था 79 से, और जो दोनों का डिफरेंस सर था वो प्रॉफिट वो लॉस के लॉस अंदर में आ जाए। 30 चला जाता। हाँ ये तीन पॉसिबल केसेस होते हैं रिवैल्यूएशन लॉस के चक्कर में। ठीक है जी, हमने ये भी कल डिस्कस उस दिन भी किया था, अभी चलो रिपीट कर दिया आपको आपको उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या जी हुआ मैंने बोला था ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप, तो नहीं किया मैं दोबारा से, मैं खुद ही करवा लेता हूँ। अच्छा अब हमने इसको दोबारा रिवैल्यू किया है तो ये अच्छा अगले साल फिर हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, तो वो भी एंट्री नहीं पास की, वो एंट्री में यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्या एंट्री डेप्रिसिएशन, दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज की है ना 31 दिसंबर 2012 पे, ये एंट्री डलेगी पहले डेप्रिसिएशन डेबिट और एक डेप्रिसिएशन क्रेडिट, राइट कितनी अमाउंट से ये अमाउंट जो कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। कोई इतराज है इस पे मिस आपको? नो सर। आसिफ भाई समझ आ रही है ये एंट्री कैसे डली है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की है? नहीं समझ आ रहा तो आप कल और लेक्चर ले लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से समझाया गया कैसे चार्ज की। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन डेबिट और रिकमेंडेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा अब क्योंकि हमने WDV बनानी है यहाँ पे, क्योंकि हमने फिर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना ये यहाँ पे, इसलिए आपको फिर अब क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, आपको ये एंट्री भी पास करने के साथ पड़ेगी साथ, रिकमेंडेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, राइट ये एंट्री आप डालेंगे, ये आपके पास डब्ल्यू डी वी आ जाएगी ये एंट्री पास करने के बाद, फिर आपने दोबारा इसको रिवैल्यू किया। ठीक है जी, 180 पर आपके पास आ गया सरप्लस आ गया, आपने चेक किया आपके पास 31.25 का क्या आ गया सरप्लस आ गया। अब इस सरप्लस के साथ क्या करेंगे, यानी ये जो गेन आया है इसमें, मैंने कल आपको शायद बताया था कि हम एक पा लगाते हैं हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट टेस्ट, याद है आपको? जी बताएं। सर HCA टेस्ट ये क्या होता है, HCA टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कहते हैं ये, याद रखिएगा इसकी क्या कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये कि पहले एसेट क्या हो, पहली कंडीशन ये कि एसेट हो रिवैल्यूएशन मॉडल पे, दूसरी कंडीशन ये कि एसेट ने पहले क्या खाई हो, रिवैल्यूएशन लॉस उस लिया हो, क्या लिया हो, रिवैल्यूएशन लॉस लिया हो, और तीसरी कंडीशन ये है कि एसेट ने रिवैल्यूएशन गेन लिया हो। यानी जब भी ये याद रखिएगा, जब भी एसेट रिवैल्यूएशन लॉस पहले लिया हो उसके बाद गेन की तरफ आए ना, तो फिर हम क्या लगाते हैं, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट टेस्ट लगाते हैं, पहले लॉस लिया हो फिर गेन लिया हो, यानी ऐसा भी हो सकता है पहले गेन लिया हो फिर लॉस लिया हो फिर गेन लिया हो, तो फिर इस जगह पर क्या लगाओगे HCA, इससे पहले कोई लॉस लिया हो उसने? कर लिया होता तब लगा देते। अगर लिया होता ना तब लगाते, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले गेन लिया है तो अब यहाँ HCA टेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ लॉस लिया है यहाँ गेन लिया है तो अब यहाँ पे लगेगा, इसके बाद फिर गेन लिया है अब यहाँ पे नहीं लगेगा, राइट कहानी समझ आई है, कहाँ पे लगेगा, इस लॉस के बाद जब गेन लेते हैं ना
इस जगह पर क्या लगाते हैं जी, एचसीए टेस्ट लगाते हैं। अभी एचसीए टेस्ट क्या होता है मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और अगर सर पहला लॉस लिया हो फिर गेन लिया हो उसमें भी लगाएंगे? जी सर उसमें लगाएंगे ना, पहले लॉस लिया नहीं हो फिर गेन लगाएंगे। लिया हो, लगाएंगे ना, कंडीशन लिखी है कि पहले लॉस लिया हो फिर गेन लिया हो। ठीक है। अब एचसीए होता क्या है, ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक एसेट है उसकी कॉस्ट है 100, ये बल्कि कल मैंने तसल्ली से करवाया था, ऊपर वाले सवाल पे करते हैं, कल ये मैंने आपको पढ़ाया था सारा। क्या है बताओ वो ना ऊपर वाले को हम कंक्लूड करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी क्या वो। सर, वैसे पहले बता दें फिर ऊपर वाले को बताइए। अच्छा ये होता क्या, ये होता है कि जब भी आपको रिवेल्यूशन लॉस के बाद गेन आ रहा हो ना, तो आपने सारा का सारा जो जो आपको गेन आ रहा था वो आपने उसके अंदर P&L के अंदर नहीं चार्ज करना होता, राइट, सॉरी OCI के अंदर नहीं चार्ज करना होता, बल्कि उसका कुछ पोर्शन किस में चार्ज करना होता, P&L के अंदर। और वो कितना चार्ज करना होता है, वो अप टू हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट करना होता है। मैं अभी करके दिखाता हूँ सारी तक क्या हो रही है। हाँ सर मैं ये वाली बात आपको उस टाइम बता रहा था। ये देखें, सपोज अब यहाँ से लॉस हुआ है ना, अगर तो सपोज करो कि अगर ये कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होता, ये रिवोल्यूशन मॉडल है, अगर सपोज करें ये सारा काम हो रहा था कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है जी, तो उस वक्त उस टाइम क्या ट्रीटमेंट होता है, ये एसेट की कॉस्ट आ रही होती, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आ रही होती, राइट, और ये क्या आ रही होती WDV, ठीक है। अब यहां पे फिर क्या आ रही होती, डेप्रिसिएशन आ रही होती, वही होता ना, और यहां पे क्या आ जी रही सर, होती WDV चार आ रही होती, जी ठीक है जी। इस तारीख पे ये आपके पास आ रहा है, ये तारीख यहां पे, राइट, और फिर यहां पे फिर क्या आ रहा होता, सेम ही काम हो रहा होता, ठीक है। यानी आज उसके पास आपके पास हिस्टोरिकली उसकी कितनी अमाउंट बन रही होती, कितनी बन रही होती, 140। 140, राइट, क्या बन रही होती 3 साल बाद, 3 साल ही बनते हैं ना, 2010, 10 पूरा, 11 पूरा, 12 पूरा, अच्छा 4 साल बनते हैं, एक साल हम स्किप करेंगे बीच में, एक दो 12 10 पूरा, 11 पूरा, हाँ 3 साल, 3 साल बनते हैं। तो हमारे पास आज कितनी बन रही होती उसकी अमाउंट, 140। ये हमारे पास रिवेल्यूशन मॉडल के अंदर हमारे पास WDV कितनी बन रही है, हाँ जी बताएं, 148.5। 148.75। अब वो कहते हैं कि अगर बिल फर्ज ऐसे होता, वो सपोज करो यहाँ पे ये ना बन रही होती, ये बन रही होती फॉर एग्जाम्पल 128 बन रही होती, सपोज करो ये यहाँ पे ऐसे बन रही, ठीक है, और रिवैल्यूड अमाउंट कितनी आ रही होती 180, यानी दोनों में डिफरेंस कितना होता, कितना होता 52 का, 62 का, 52 का, राइट, समझ आ रहा, नहीं आ रहा, समझ आ रहा है ये सारी बात, हेलो, यस सर, हाँ जी मुझे यस सर, रिस्पॉन्ड, हाँ रिस्पॉन्ड दे ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ भी आ रहा है ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। सपोज करो कि WDV आज कितनी, अभी तक हाँ यानी सपोज करते हैं आप WDV कितनी होती, 128 होती, और रिवैल्यूड अमाउंट कितनी आ जाती, 180 आ जाती, राइट, दोनों का डिफरेंस ले लेते आप, दोनों का डिफरेंस ले लेते, इसमें इसमें चला जाता 52 आ जाता, आप ना इस 52 को ना पूरा रिवॉल्यूशन सरप्लस ना चार्ज कर देते, ठीक है, आप इस पूरे को क्या करते,
पूरा रिवॉल्यूशन सरपस ना चार्ज करते, बल्कि अप टू दैट अमाउंट आप इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करते एच सी ए से, ये एच सी ए हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता ना, जो 12 आ रहा है आपके पास, जो ये 12 आ रहा है, इसको आप क्या चार्ज करते? इसको आप चार्ज करते प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो ऊपर का 40 है, ये वाला 40, इसको आप किस में चार्ज करते? ये रिवॉल्यूशन सरप्लस में। हाँ जी, समझ आई? लेकिन कॉस्ट मॉडल में तो रिवेल्यूशन सरप्लस तो बना ही नहीं रहे हम। सॉरी, कॉस्ट मॉडल में रिवेल्यूशन सरप्लस तो बना ही नहीं रहे। तो कॉस्ट में नहीं ना बना रहे, किसने कहा बना रहे हैं? ये जो आपने कहा 40 उसमें चार्ज करेंगे तो वो कैसे करेंगे? सर 40 चार्ज करेंगे रिवॉल्यूशन सरप्लस की अमाउंट में। देखो ये रिवॉल्यूशन मॉडल ना, रिवॉल्यूशन मॉडल हाँ के अंदर जी, आपके पास कितनी रिवॉल्यूशन आ गई, गेयर आ गया 52 का। अब इस 52 को 52 आपने आरएस के अंदर नहीं चार्ज करना, बल्कि इसका एक हिस्सा आपने किस में चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। वो हिस्सा कैसे निकालना है? वो हिस्सा ऐसे निकालना है कि आपने इसकी WDV, ये WDV आई है ये वाली, इसको मैंने सपोज किया कि ये 128 है, 148 नहीं, क्योंकि इससे इसकी कम बन रही है। इसको कंपेयर करना है इस अमाउंट के अच्छा साथ, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट के साथ। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बाकी है ना ठीक ओवर है एंड अब सर, वो किस में चार्ज करना रिवेल्यूशन सरप्लस। सरप्लस में। अभी समझ आया या नहीं आया? आप मुझे गो एड दे। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस, बताएं, आप बताएं, आप क्लियर है? आपकी आवाज कट रही है। बताएं, क्लियर है? मुझे चैट पे, आप चैट में मिस मुझे लिख के भेज दें कोई क्वेश्चन है या क्लियर है, या आपकी आवाज नहीं आ रही। बस ठीक है। अब अच्छा, इस केस में क्या है, इस केस में तो WDV ऑलरेडी ज्यादा है HCA से। देखो WDV क्या है, ज्यादा है ना HCA से। इधर तो HCA वो हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट टेस्ट एप्लीकेबल ही है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, है तीसरी, यहाँ पे चौथी बल्कि, कि जो आपका WDV है इज लेस देन, शुड बी लेस देन HCA। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट से क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहाँ तो कंपैरिजन का मकसद ही कोई नहीं है, ठीक है। और एक और वजह से भी मकसद नहीं है। वो मकसद क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जो पिछली बार जो रिवेल्यूशन, ये जो लॉस आया था, ये आपने सारा किसको चार्ज किया था, रिवेल्यूशन सरप्लस को, यानी आपने पीएनएल में चार्ज नहीं किया था कुछ। तो जब चार्ज नहीं किया था तो रिवर्स भी नहीं करेंगे। जी समझ आए ये सारा? क्लियर है मैं आपको? अच्छा, यस yes, सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा वापस आ जाते हैं टू द अपने पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? हम यकम 13 पे की एंट्री पास करेंगे, हम ये वाली एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। हम ऐसे डेबिट करेंगे कितने से, 31.25 से, और सारा उसी को चार्ज करेगा, उसी से किधर ले जाएंगे रिवॉल्यूशन सरप्लस में, राइट। और फिर हमारे पास आखिर में वो एंट्री आ जाएंगी ये वाली, ठीक है। पहले आप ये डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एक तो, और दूसरा आप ये चार्ज करोगे। ठीक है जी। अच्छा डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे यहाँ पे आप, इस डिवाइड बाय 7 ईयर्स, राइट। अच्छा आप मुझे एक चीज़ ये आप आखिर में बताएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप, क्या आप ये एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, ये आखिर वाली, ये वाली? ये एंट्री पास करेंगे अभी यहाँ पे? अच्छा
बताएं, आवाज नहीं आ रही। सोच रहे हैं सर। ये एंट्री कब पास करते हैं, जब आपने किस पे जाना होता है, WDV पे। तो जी सर। क्या इस तरह साल के 2013 के आखिर में या 14 के शुरू पे आपको जरूरत पड़ रही है रिवैल्यूएशन की? नो सर। नहीं, तो मतलब आपने WDV पे जाने नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे ये एंट्री नहीं पास करोगे, क्योंकि ये एंट्री तो WDV पे जाने के लिए ना। ठीक है जी, हाँ, राइट सर। तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, और साथ आप ये इंक्रीमेंटल डिप्रेशन की एंट्री डाल देंगे। ये एंट्री आप कैसे डालोगे, ये मजे की चीज है, ये आप कैसे डालोगे? आपके पास ये बैलेंस आ रहा था इस साल के, पिछले साल के शुरू, इसमें से आपने लेस कर दिया, जो आपने रिवेल्यूशन लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, वो ये हुआ है, वो ये वाला हुआ है ना, ये वाली अमाउंट, ये रिवेल्यूशन आपके पास के अकाउंट से उड़ रही है ना, राइट? यस सर। तो क्लोजिंग कितना आ गया, ये आ गया 10, और इस साल फिर आपको रिवेल्यूशन गेन हो रहा है 31.25 से। क्लोजिंग कितना आ गया, ये जमा ये क्लोजिंग आ गया। अब इसके ऊपर आप चार्ज करोगे ये वाली डेप्रिसिएशन, मोर द एंट्री शुड बी लाइक दिस डिवाइड बाय 7, जिसमें एक वो इस साल की भी आर एस टू आ रही, यहाँ एक एंट्री ये भी थी, ये भी स्किप कर गए, ये एंट्री भी स्किप कर दी। बहरहाल आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एक एंट्री हमने स्किप कर दी है आर एस टू आर वाली, वो आप जब खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? हाँ यस सर। जी, आसिफ कोई बताएं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन में हमने 2 दिन लगाए हैं कि आपको समझ आ जाए। बताएं कुछ हुआ, पल्ले पड़े आंसर देखिए, इस पे क्या क्या हुआ। अच्छा, इसने देखे OCI में चार्ज किया, इसने डायरेक्ट ये देखिए रिवेल्यूशन सरप्लस की ब्रैकेट में OCI लिखी है, तो वो या लोग इस तरह कर देते हैं या जिस तरह मैंने आपको करवा दी इस तरह कर देते हैं। राइट। दो एंट्री अलग अलग से पास कर दो, एक ही मतलब है। ठीक है, उसके बाद इसने भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये एंट्री इसने पास की जो मैंने आपको 11 से, हमने भी ये 11 से पास की है, मैंने आपको सिखाई थी ये वाली राइट। राइट। उसके बाद ये एंट्री हमने नहीं पास की, सॉरी की है, ये लॉस वाली की है, ये वाली ये हमने नहीं की राइट। 2012 के एंड पे ना हमें ये एंट्री भी यहाँ पे साथ पे करनी चाहिए, इस जगह पे 11 के की है, फिर डायरेक्ट 13 में चलेंगे। जब आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। राइट। हाँ, दरमियान से हमने 12 की स्किप कर दी ठीक है जी, बाकी आसान थी ये। इसको ये जितना मैंने मॉडल आपको बना के दिखाया ना, ये वाला, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन मॉडल। थोड़ा सा इसमें फर्क, दो तीन चीजें रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ना हम इसको कर देंगे, राइट? राइट कोई क्वेश्चन राइट। इसमें, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। उसके बाद तो ये पास पेपर क्या है? जी सर, पास पेपर गए, एक और ये डिस्कस भी कर लेते हैं। अच्छा, एक कोई क्वेश्चन और शुरू करते हैं, बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव ये है, या कोई और नीचे और इससे बड़ा, सही बड़ा सा क्वेश्चन है ना। नोट्स बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं इसको बाद में देखें। ठीक है, इसमें था वर्क बैक वाला क्वेश्चन, मैं वो देख रहा हूँ। अच्छा, ये अब आप लोगों ने खुद ट्राई कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन करने की। आप पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर है जनाब,
4:10 पे है ये सारे। ये कोई बताए इसमें से क्वेश्चन, अगर कोई और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हम शुरू कर दे, बॉस वाला होना। सही, अभी आया था 16 और 17 वाला, वो करा दे वाला मुश्किल हो। ये वाला बॉस लिमिटेड, लिमिटेड टेबल बना कॉम्प्लेक्स। हूँ। ये शायद ये वाला तो आसान था लग रहा है, ये तो वैसे ही जैसा भी आपने किया, सेम वही क्वेश्चन छापा हो। सही है। ये आपने खुद ट्राई करने हैं जी, अच्छा सर, ये आपको बुक कहाँ से मिली थी? किसी ने भेजी थी। अच्छा सर, आई कैप की तो कह रहे हैं रिजल्ट के बाद भेजेंगे। शायद मुझे आइडिया नहीं है। चलिए इसमें से भी ना कल हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कल उसको कंप्लीट करते हैं, तो ठीक है सर, इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह सर। ऐसे सर अभी और कोई क्वेश्चन। क्लास तो सॉरी नहीं है ना? और कोई क्लास तो नहीं है ना मैं फेक ही है ना यार, सर? उसका कल मिस कराता कल भी हूँ आपने स्किप की है। सर, वो एक अंकल बीमार हैं और प्लेटलेट्स उनके कम हुए हैं, उनकी खबर लेने जाना था, उधर क्या करना है आपने? अच्छा खबर लेने जाना उनकी। हाँ, ताजियत नहीं होती वो, कुछ और होती है। ताजियत यार मैं अब क्या कहूँ। अच्छा ताजियत मरों की कहते हैं सर, तो मुर्दों की होती है। चले नहीं वो दूसरे है। चले सही है यार। अच्छा वो दूसरी वो खातून जो थी वो मुझे कह रही थी जी कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी स्टार्ट करनी है, तो मुझे एक 2 दिन में कंफर्म कर देंगी, फिर उनके साथ हम सुबह भी क्लास रखा करेंगे। जी नहीं नहीं सर, एस बी एम में रखे ना सर, वो खातून को पूछे ना उन्हें कि अगर आ सकती तो वो वगैरह जॉब वगैरह। करती है, वो जॉब करती है, नहीं तो वही ना, तो सुबह के टाइम तो फ्री है ना। पता नहीं वो किधर से आती है। मैं उसको मुझे उसका आता पता नहीं मालूम। सर पता कर लेना, खैर उसे नहीं वो पूछे ना लाइव कि यार, वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वो लाइव मैं नहीं उधर पढ़ा सकता, उधर फिर वो लोगों के सामने, मतलब वो लोग उधर एतराज करते हैं, लंबी तकरीर नहीं कर सकता उधर मैं। वो एक नहीं बंदा सर, और तो आप था। जगह की टेंशन ही ना लें, आप जगह मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करवा दूं, कहीं नहीं यार उनको मैं इस तरह नहीं और ना मजबूर कर सकता, आते वो खातून है। हाँ थोड़ी सी हैं। है वो, इसीलिए उनको प्राइवेट ट्यूटर था, वो नहीं पढ़ सकती इस तरह से जाके, उनको कुछ इशू है। अच्छा ठीक है ऑडिट का सही चल रहा है ना? ऑडिट में तो कोई इशू नहीं है? ना सर, इतना खास इशू नहीं सर। आपने वो परसों वाली क्लास स्किप कर दी थी, वो उस पर इतना ज्यादा पढ़ाया था उन्होंने। सर वो वैसे टॉपिक का नाम क्या था, मैंने आपसे पूछा था मैंने ऑडिट रिपोर्टिंग पढ़ाया था उनको, ISO 705 सर, ये पढ़ाया था, सात सौ आई एक एस पढ़ाया था, 701, 701 वाला। ठीक है, 702 और 705 तीनों पढ़ाए थे उन्हें। और सर ये हमारा चैप्टर नंबर 8 बन रहा था ना, रिपोर्ट वाला। रिपोर्टिंग वाला बन रहा था। ठीक है अच्छा हाँ ये जी, वो रिकॉर्डिंग चैप्टर तो बंद नंबर कर 8 देना। था। जी चलो सर, जी सर, ठीक ठीक है ठीक है, सही है। है सर, थैंक यू सर, अल्लाह ओके ओके हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।